आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आप में शामिल हुए कांग्रेस पार्षदों की घर वापसी 11 घंटे पहले ज्वाइन की थी आम आदमी पार्टी। तमिलनाडु के बाद आंध्र पहुंचा साइक्लोन मेंडोस, राज्य के 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी। 400 फीट गहरे बोरवेल में फंसे बच्चे की मौत, रेस्क्यू टीम ने 84 घंटे बाद बाहर निकाला शव। मेसी की अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंची, पेनाल्टी शूट आउट में नीदरलैंड को 4-3 से हराया। ऑस्ट्रेलिया वीमेन ने चेंज किया 173 का टारगेट, मून मैक्रो में 56 बॉल से जोड़े। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। गोरखपुर में सीएम योगी दौरे पर हैं, सीएम के दौरे का आज दूसरा दिन है। बता दें, गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बुलंदशहर में भाजपा कार्यालय सभागार में जिला अध्यक्ष व विधायक मीडिया प्रभारी की मौजूदगी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज कर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर विकास को और गति देना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उत्तर प्रदेश भी विकास के नए मानदंड गढ़ रहा है, नगर निगम चुनाव के लिए सभी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कमर कस लें। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार की कोई गैर जिम्मेदारी बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो भी आवश्यक मुद्दे थे उस पर निर्देशित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की योजनाओं का और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की योजनाओं का अनुपालन बुलंदशहर में 100% हो, इसके लिए निर्देशित किया है। दूसरा विषय जो तात्कालिक है, नगरपालिका, चूँकि जो बुलंदशहर नगरपालिका है, मैं भारतीय जनता पार्टी के ओर से यहाँ के प्रभारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। औरैया के एरवा कटरा क्षेत्र में एरवा टिकुर सहकारी समिति के कर्मचारी किसानों से डीएपी और यूरिया के दुगने दाम वसूल रहे हैं, जबकि डीएपी और यूरिया असल कीमत 266.50 रुपए है, लेकिन 350 रुपए में किसानों को बेची जा रही है। किसानों का आरोप है कि सचिव इफको की यूरिया की बोरी के साथ 1 किलो का मार्गो कंपनी की जिंक है, लेकिन जिंक भी उन्हें नहीं दी जा रही। झोला किस क्या है? थैला है, पैकेट पैकेट जिंक है। किस कंपनी का है जिंक? हम नहीं जानते। माइक्रो थोड़ा उठा के दिखा दो। एक ये पैकेट दिया, एक ये पैकेट दिया, यूरिया लिए 280 रुपए की यूरिया लगाई है। 280 और क्या देते हैं? और एक मार्गो जिंक देते हैं, वो 70 रुपए का पैकेट है मार्गो जिंक। और ये मैंने उसके बदले में ये इफको का ये लिया है, ये 100 रुपए का दिया है, 90 रुपए इसके प्राइस है। 100 रुपए का दे रहे हैं, मतलब प्रति बोरी पे दे रहे हैं कि अलग अलग? प्रति बोरी पे जी। तो आपने उनसे कहा नहीं? आप हमने कहा है कि नहीं, वो मिल नहीं पाएगी। तो कितने की बोरी मिली? जिंक लगा के 350 रुपये। ये कितने की? ये 280 रुपये का। ठीक। और किसानों द्वारा अभी जो हमने और भी सब किसानों से पूछा, उनके द्वारा बताया कि 280 रुपये की बोरी है और इसमें एक पैकेट लगा के उसका दे रहे, तो ऐसे 350 रुपये लिए जा रहे हैं।
नहीं आदेश नहीं तो आपके सामने कह रहे, आप तो वही मौके पे हो, सब आपके सामने ही तो सब कह रहे हैं, सारे किसान कह रहे हैं 350 रुपये। गोंडा में यूपी बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर से दोहरे आवेदन का खेल देखने को मिल रहा है। बता दें कि 2023 की बोर्ड परीक्षा के आवेदनों में हाई स्कूल के 29 छात्रों ने दो जगह आवेदन किया है, वहीं इस मामले का पंजीकरण फार्म की जांच में हुआ है। यूपी बोर्ड ने ऐसे 58 कॉलेजों को चिन्हित किया है। बता दें कि दोहरे आवेदन वाले 58 कॉलेजों में 50 गोंडा के बलरामपुर, बहराइच के दो दो, बस्ती के 4 कॉलेज पहले चरण में ही पकड़ में आ गए हैं। गाजियाबाद में 8 साल के विदेशी बच्चे से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। ये वारदात शादी समारोह के दौरान होटल के बाथरूम में हुई। पुलिस ने इस मामले में नितेश नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। बता दें बच्चा ऑस्ट्रेलिया से गाजियाबाद आया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मसूरी क्षेत्र में एक शादी के फंक्शन में एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें जिसके अंतर्गत एक 8 साल के विदेशी नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। शादी में ही आए हुए एक युवक ने उसके साथ ये करने का प्रयास किया। जैसे ही रिपोर्ट मिलते ही FIR लिखी गई। FIR होने के बाद उसको अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। रायबरेली में ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के रमन की झोर मजरे इटौरा बुजुर्ग में चारागाह की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से ढहा दिया। वहीं इस कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार की अगुवाई में पहुंची पुलिस व राजस्व टीम ने अवैध निर्माण गिरा दिया है। हरदोई में मंजिला इलाके के एक परिवार ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने DM से पुलिस की फर्जी मुठभेड़ की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। सेना के जवानों के साथ पहुंचे परिवार ने जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने अपने भाई इरफान को फर्जी फंसाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि इरफान की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनके पिता फारूक की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इरफान की बहन चांदनी ने कहा कि राजनीतिक दबाव में पुलिस ने झूठे मुकदमे में उनके भाई को फंसाया है। मैं गांव बेगूसराय से आई हूँ और मेरे भाई को झूठे केस में फंसा कर उसको गोली मारी और मेरे पापा को पता चला तो उनको अटैक पड़ गया और उसको न्याय मिले। सब जगह हम लोग यहाँ पे शिकायत कर दिए, उसको न्याय मिलना चाहिए मेरे इरफान को, मेरे भाई को, जिला अधिकारी को, DM साहब को, सबको अप्लीकेशन दी है, हम सबको न्याय चाहिए। राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई सब्जी मंडी सालों से धूल फांक रही है। जानकीपुरम विस्तार योजना में सब्जी मंडी स्थल होने के बावजूद रोड पर अतिक्रमण करके सब्जी की दुकानें लगती हैं, जबकि चंद कदमों की दूरी पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सालों पहले इस सब्जी मंडी स्थल को आवंटित नहीं किया गया, लिहाजा इसका खामियाजा क्षेत्र के निवासी भुगत रहे हैं। आज हम लखनऊ के जानकीपुरम एरिया में पहुंचे हैं, जानकीपुरम विस्तार में। हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पीछे जो ये एरिया है, इस एरिया को हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको देखने में क्या लग रहा होगा। ज़रूर आपको देखने में कब्रिस्तान जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये कब्रिस्तान नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि ये सब्जी मंडी की जगह है। यहाँ पर दुकानों के सब्जी लगाने वालों के विक्रेताओं के लिए ये जगह बनाई गई थी और यहाँ पर सब्जी के दुकानदार इतने भी दिख रहे हैं। ये पूरी जगह वीरान पड़ी होने का कारण यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे एक बार पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर ये जो जगह है सालों से बंद पड़ी है, यहाँ पर रोड पर सब्जी मंडी लगती है, यहाँ पर क्यों नहीं अभी तक इस जगह को आवंटित किया गया, क्या कारण रहा इसका। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पूरे जानकीपुरम विस्तार के लिए फल और सब्जी के लिए एक ये मंडी स्थल यहाँ बनाया था और सारे सब्जी विक्रेताओं को इस जगह पे जो है जगह चबूतरे अलाट किए जाने थे
परंतु आज जो है 12-15 साल पहले बने हुए ये सारे चबूतरे अब जो है वीरान से पड़े हुए हैं और सब्जी मंडी अवैध रूप से सब्जी और फल मंडी जो है सेक्टर भवानी चौराहे के से लेके जेपी कॉन्वेंट के बीच की सड़क पर जो है लगाई जा रही है अतिक्रमण करके पूरे डिवाइडर पे। शाम को वहाँ पे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, कोई ट्रैफिक नहीं गुजर सकता उनके अतिक्रमण के कारण। और ये चबूतरे जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इतने दिन बना के यहाँ छोड़ रखे हैं, लेकिन आज तक किसी का भी आवंटन जो है एक भी चबूतरे का नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण भी करने की कोशिश की तो महासमिति ने यहाँ पे जानकीपुरम विस्तार संयुक्त कल्याण महासमिति है जिसका मैं सचिव भी हूँ राकेश श्रीवास्तव, और ये जगह जो है यहाँ पे अतिक्रमण भी करने का प्रयास किया गया तो हम लोगों ने पुलिस की हेल्प लेकर जो है उस अतिक्रमण को तुरंत हटवाया। तो इस तरह से हम लोग संरक्षण भी कर रहे हैं इन सब जगहों का, लेकिन विकास प्राधिकरण के ढिलाई से कह लें या उनके जो है उसके कारण जो है ये आज तक चबूतरे किसी को भी अलाट नहीं किए। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक स्थित भैरव धाम परिसर में एक अनोखी शादी देखने को मिली है। बता दें कि एक किन्नर और एक लड़के का प्रेम परवान चढ़ा और वे दोनों भैरव बाबा को साक्षी मानकर एक दूजे के होते हुए परिणय सूत्र में बंध गए। बताते चलें कि जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल की निवासी मुस्कान नाम की किन्नर विगत 2 साल पूर्व मऊ जिले में एक नृत्य कार्यक्रम के लिए आई थी, जहाँ उसकी मुलाकात वीरू राजभर से हुई। वहीं लड़के का कहना है कि इस संबंध में उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। डेढ़ साल से एक दूसरे के साथ रहते हैं आप लोग। आज आप दोनों लोगों ने शादी किया है, फिर आगे का क्या योजना है आप लोगों की? क्या रहे अच्छा परिवार वाले बिल्कुल राजी हैं? सब राजी है। आपका नाम? मुस्कान जी, आप इनको कब से जानती हैं? 1.5 साल से। डेढ़ साल से। अच्छा, तो दोनों लोग आज बिल्कुल शादी कर लिए हैं, पति पत्नी के रूप में हैं। कैसा लग रहा है आपको? औरैया जिले के सरकारी जिला अस्पताल की बिल्डिंग शराबियों का अड्डा बन गई है, जहां रात होते ही शराबी आकर दारू पार्टी करते हैं और अस्पताल परिसर को गंदा करते हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि यहां पर रोज शराबियों का जमावड़ा होता है, पर इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए आए दिन अस्पताल परिसर में ये देखने को मिलता है। शराब जो पीने वाले लोग हैं वो बाहर से ही आते हैं, वो भी शाम के समय आते हैं और दिन डूबने के बाद जब अंधकार होने होता है तो वो वार्ड की तरफ ऊपर गलियारे में सीढ़ी भी चढ़ जाते हैं जो खुला रहता है, तो वहाँ पे वो लोग पीते हैं। कई बार हमने टोका भी है, देखा भी है, उनको मना किया है, वो लड़ने पर और झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। और मैंने स्थानीय प्रशासन से पुलिस या होमगार्ड की गोंडा में नवाबगंज थाना क्षेत्र के चौबेपुर गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर तेज गति से आ रहा ट्रैक्टर अचानक पलट गया, जिसमें ड्राइवर को हल्की चोट लग गई। वहीं आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर जाकर ट्रैक्टर को सीधा कर बाहर निकाला और ड्राइवर को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर ड्राइवर का इलाज कराकर घर भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना है, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो